आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में हैं, तो इसीलिए मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आपको प्रेफर करवाऊंगा कि जितने हमारा हो चुका है वो मैं फटाफट फटाफट आपको रिवाइज करवा दूंगा। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी कॉस्टिंग से, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं आप लोग उसको देख लीजिए। स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटा उतना आप मुझे कॉपी पेस्ट में ये करवा दीजिए, नहीं तो जो भी स्टडी मैट में रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भी मैं ये क्वेश्चन ले लूँगा। यदि आपको स्टडी मैट का ये क्वेश्चन रहेगा तो आप प्लीज़ स्किप करवा दीजिए, लास्ट में मैं आपको टाइम्स भी लिख के दे दूंगा ताकि आपको बाद में इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो इंडेक्स भी बना लूंगा तो आप लोग सिर्फ उतना ही रिवाइज कर देना, और समरी क्वेश्चंस के भी मैं टाइप्स आपको लिख के दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2013 का ये क्वेश्चन था बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी ध्यान में रखना, फटाफट हम लोग आंसर्स देख लेते। देखो एम के मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स नेमली ए बी सी डी, ये आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको रफ में सॉल्व कर लेंगे जैसे कि रफ प्रैक्टिस में हो रहा है, और बाद में मैं आपको क्या देता हूँ इसका प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये दे दूंगा कि नोट्स आपको टाइप करवा के सॉरी इसके स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, तो आप लोग रुक के पॉज करके आंसर्स को भी देख सकते हो। चलिए, सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारा है एम के मैन्युफैक्चरर्स का ए बी सी डी, प्लांट्स एंड प्रोसेसेस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन पीरियड। ओके, तो आउटपुट दिया हुआ है, तो ए बी सी डी का क्या दिया हुआ है आउटपुट। डरना मना है, क्वेश्चन की साइज देख के बिल्कुल भी डरिए मत। स्टार्टिंग में आप रिवाइज कर रहे हो, आप भूल चुके होंगे तो भी टेंशन मत लेना, आपको सब याद आ जाएगा। कुछ नहीं है, हमें प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग निकालना है और जॉइंट कॉस्ट दिए रहेंगे, जॉइंट कॉस्ट नहीं बोलेंगे इसको एक्चुअली, हमारी कॉस्ट जो होगी वो ओवरऑल कॉस्ट दिए रहेंगे, वो एक्टिविटी वाइज हमें डिवाइड करनी है, इतना ध्यान में रख, बाकी कुछ भी ये चैप्टर में नहीं है। द फोर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूसेस इन रन्स ऑफ 24 यूनिट्स एंड सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 12 यूनिट्स। तो देखो इंस्टीट्यूट ने आपको ये भी दिया हुआ है कि ये 24 यूनिट्स एक टाइम पे आपके रन होते हैं, तो 24 यूनिट्स मतलब यहाँ पे आप मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हो जाएंगे। देखो प्रोडक्शन रन्स 720 यूनिट्स आपको तैयार करने हैं, तो 720 यूनिट्स डिवाइड बाय कैलसी दोगे बेटा मुझे, सात सौ बीस डिवाइड बाय 30 सॉरी 24, तो 30 600 डिवाइड बाय 24, 25 480 डिवाइड बाय 30 16 सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 480 इज इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा 20 504 इज इक्वल टू 21 आएगा, बराबर है। एंड सोल्ड इन बैचेस, तो नंबर ऑफ बैचेस कितने हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे ना बेटा, नहीं डबल हो जाएंगे, 60 50 40 एंड 42, और इसका नंबर आउटपुट के यूनिट्स का टोटल आप लोग ले लेना, 720 प्लस 600 प्लस 480 प्लस 504, टोटल आउटपुट आपका है 2304 डिवाइड बाई 24 किया तो 96 बैचेस सॉरी 96 रन्स, और डिवाइड बाई नहीं मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 192 आपके बैचेस हो जाए। ठीक है, अभी उन्होंने क्या दिया हुआ है, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है, स्टोर रिसीविंग दिया है, इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यस ये हमारा कॉस्ट पूल है, यस बेटा वेरी गुड, ये कॉस्ट पूल है। और कॉस्ट ड्राइवर, सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने निकाले थे आपने, 96 रन्स। स्टोर्स रिसीविंग, स्टोर्स रिसीविंग है रिक्विजिशन जो आपको रेस्ट किए हैं, स्टोर इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स 50 फॉर ईच प्रोडक्ट, तो 50 से है तो 720 इंटू 50 ठीक है। रिक्विजिशंस के बारे में ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं सॉरी नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ट इज ऑफ स्टोर फॉर ईच प्रोडक्ट है, ईच प्रोडक्ट बोले तो
ए बी सी डी, तो यहाँ पे 200 आपके रिक्विजिशंस हैं, बराबर है? इंस्पेक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 10,000 डिवाइड बाय 90, अच्छा, एंड ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ 192, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 12 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, तो 192 ये मेरे बैचेस के वाइज है, ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 12 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ओके, सो 192 बैचेस के लिए ये मेरा कॉस्ट है। अभी मशीन एंड ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी अपोर्शन बिटवीन सेटअप कॉस्ट एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड स्टोर रिक्विजिशन इन द रेशो ऑफ 4:3:2, तो मैं यहाँ से 63,000 माइनस करूंगा, कौन से रेशो में? 4:3:2, समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो 4:3:2 रेशो में ये डिवाइड करूंगा, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है क्या बेटा? तो 28,000 इसमें ऐड करूंगा, 3 मतलब 21,000, आपके पास हार्ड कॉपी भी नहीं है बेटा इसकी, 14,000, स्कैनर तो भी मंगवा लीजिए बेटा, फिर कहाँ से आप पढ़ाई करने हो, है क्या आपके पास स्कैनर? स्कैनर मेरे पास है, हाँ जी, तो आप लोग देख लीजिए इसमें। मटेरियल हैंडलिंग आपका 2592 ही आएगा, तो देखिए सेटअप कॉस्ट आपका कितना हुआ, 28,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 96 बोले तो 500 रुपीज पर रन हुआ ना, पर सेटअप रन। स्टोर रिक्विजिशन डिवाइड बाई 200 मतलब 180 पर रिक्विजिशन, टू फिफ्टी पर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन रन एंड थ्री पॉइंट फाइव पर बैच और पर मटेरियल हैंडलिंग भी बोल सकते हो। हाँ, अभी ये 500 रुपया पर रन, तो आप लोग ए बी सी डी में कैसे डिवाइड करोगे, 500 रुपया पर रन है तो 500 को कॉमन लीजिए, 500 × 30 इज इक्वल टू 15,000 आएगा, 25 इज इक्वल टू 12,500, 20 इज इक्वल टू 10,000 एंड इस इज इक्वल टू 10,500, 96 इज इक्वल टू 48,000, द टोटल 48,000 है, तो ये एक बार चेक भी कर लेना, 15 प्लस 12.5 फॉर सेफ्टी पर्पस, 10 प्लस 10.5 48,000, तो देखिए 48,000 का ब्रेकअप मिल गया। अभी कितने का ब्रेकअप मिलेगा, 21 प्लस 15 मतलब 36,000, 36,000 को कैसे करना है बेटा, 200 रिक्विजिशंस और 50 पर रिक्विज, 50 है ना हर एक का रिक्विजिशन, 50 दिया हुआ है ना इसको, 50 फॉर ईच रिक्विजिशन, तो ये बहुत ही सिंपल है, 36,000 डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो आप, या 50 × 180 भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 9,000 ईच, 50 × 180 भी कर सकते हो, या 9,000 ही आएगा, ठीक है, 50 रिक्विजिशन है ना पर। तीसरा क्या है बेटा आपका, इंस्पेक्शन के टोटल है 24,000,
250 पर रन, मतलब 250 को कॉमन लिया तो 30 इज इक्वल टू 7500, 6250, 5000 एंड 52, एक टोटल 24000 टोटल है। लास्ट वाला 2592 पर बैच है, थर्टीन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी इज इक्वल टू 675, 540 समझ में आया बेटा। और इनका टोटल जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, टेक अ टोटल एबीसीडी का एंड टेल मी द आंसर ये कितना आ रहा है, पॉज करके लिख लीजिए नहीं तो। हाँ जी ट्वेंटी एट फोर ट्वेंटी फाइव 32310 आया पहले का, सी का देखो कितना आ रहा है बेटा 4000 एंड तो डिवाइड किससे करेगा बेटा तू 720 यूनिट 600 480 504 तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका 44.875, 47.375, 24540 है ये। फिफ्टी वन पॉइंट वन टू फाइव वेरी गुड बेटा। ठीक है 232 ये आपका आंसर है। लेट्स चेक द आंसर। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, फाइनल आंसर आपका ये मैच हुआ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट वन, रुक के लिख लीजिए क्वेश्चन शॉट टू। शॉर्ट थ्री इधर भी गड़बड़ नहीं है, पूरा प्रॉब्लम बहुत इजी। एग्जाम में डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, ऐसे अमाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है बेटा समरी लास्ट में लिख के देता हूँ, हालांकि ये सेम ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ये, क्योंकि ये इसमें ना बेटा कुछ समरी जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं समरी इसमें बना के क्या दूँ, क्योंकि हर एक में आई यूनिट प्रॉब्लम्स अलग होगा, मैं इंडेक्स से लिख के देता हूँ और लास्ट में मैं समरी बना के दूंगा लगे तो। तो नवंबर 2013 के क्वेश्चन में नया क्या था, तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ नहीं था, सी कैटेगरी का ही क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें नया क्या था, एक तो मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लिख लो बेटा जल्दी जल्दी, मशीन ऑपरेशन एंड इज डिवाइडेड इन इन अदर कॉस्ट पूल बराबर, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है सेकंड क्या मतलब, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाए थे ना, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ एक कॉस्ट पूल दूसरे कॉस्ट पूल में ऐड हुआ, बस यही नया चीज़ था। ठीक है मैं 2014 का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में था शायद से, डिवाइड के टू यही है क्या,
आप लोग देख सकते हो बेटा कि ओवरऑल आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो नॉर्मली 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कत क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया हुआ है। हाँ, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन से बाकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यही स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट में एक क्वेश्चन अपना हो जाए तो आप लोगों को भी बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 जो है, जो मैं 2014 में आया, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर TYK 2। तो आप लोग TYK 2 के टाइम पे मैंने जो आंसर लिख के दिया था वो देखेंगे, क्योंकि टाइम 16 क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट टाइम में कि तभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। थोड़ा बहुत आपको खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन दिए हुए क्वेश्चन को अच्छी तरीके विद सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, पहले मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। फोर्थ एक बड़ा क्वेश्चन है। इजी था क्या, डिफिकल्ट था? ये बड़ा डिफिकल्ट था, तो पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। फोर्थ के बाद सिक्स्थ अपने आप में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वो भी एक बार सॉल्व कर लेंगे। फोर एंड सिक्स्थ ये क्वेश्चन हम लोग देखते जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत लगेगी। तो आ जाइए बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर। स्पीडो लिमिटेड इज स्पेशलाइज्ड कार मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसेस वेरियस मॉडल्स ऑफ कार्स। तो बेटा ये कार्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। द ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू सेलिब्रेट इट्स 100th एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर। बड़ा स्टार क्यों लगाया हुआ है, कुछ एनी स्पेसिफिक रीजन? गिवन इंफॉर्मेशन है तो वो 100th है, स्टार नहीं है। 100th एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर। टू मार्क द ओकेजन स्पीडो लिमिटेड इंटेंस टू प्रोड्यूस अ स्पोर्ट्स कार अ मॉडल रॉयल, और रॉयल को स्पेशल एडिशन लेके आ रहे। प्रोडक्शन विल बी लिमिटेड टू 1000 नंबर्स ऑफ मॉडल कार्स। स्पीडो लिमिटेड, अभी ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे, मोबाइल देना। स्पीडो लिमिटेड विल बी परमिटेड 1000 नंबर्स ऑफ मॉडल कार्स और इज कंसिडरिंग यूजिंग अ टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच। तो बेटा ये क्वेश्चन में क्या है, टारगेट कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग उल्टा रिवर्स इसमें जाते हैं। मतलब क्या कि भाई हम लोग उल्टा जाएंगे, लोग क्या जाएंगे बेटा, उल्टा जाने वाले, ये ध्यान में रखिए। टू डिटरमाइन द फीचर्स दैट कंज्यूमर्स रिक्वायर्स इन अ स्पोर्ट्स कार्स बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च एंड नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्राइस द मॉडल रॉयल एट 9.75 लाख। तो इन्होंने कितने में डिसाइड किया है, 9.75 लाख में। कंपनी रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। तो 9.75 पे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग, 25% मतलब 2.4375 लाख। तो इनका कॉस्टिंग इनको बिठाना है, कॉस्ट इनको चाहिए 7.3125, ये टारगेट कॉस्टिंग की कॉस्ट है। ओके, अभी देखिए इनका जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट ही है, ये 2.5 माइनस 4.75, मतलब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 0.0625 इतना ही पैसा है उनकी कॉस्ट को डिवाइड करने को। अभी ये फोरकास्ट ऑफ एनुअल ओवरहेड दिया है। अभी फोरकास्ट ऑफ एनुअल ओवरहेड, प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट ये क्या है, तो 60,000 मशीन आवर्स पर एनम यूज कर रहे। कितने आवर्स, 60,000 मशीन आवर्स। तो कैन आई राइट इट एज 0.6 लैक्स मशीन आवर्स, 60,000 डिवाइड बाय बराबर। एंड द प्रोडक्शन लाइन टाइम रिक्वायर्ड है 6 मशीन आवर्स पर कार। तो उनके मैक्सिमम कार्स कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, 60,000 मशीन आवर्स। तो ये उनका है, और एक मशीन को तो ये 10,000 मशीन आर्स
10,000 कार्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे. द प्रोडक्शन टाइम है, द प्रोडक्शन लास्ट विल ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर कार्स एंड विल वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. ठीक है भाई, तो ये भी ठीक है. तो इन्होंने दिया हुआ है ये लोग 10,000 कार्स बना सकते हैं, ये ध्यान में रख. हाँ जी बेटा, एक कार को 6 मशीन आर्स लग रही है, 60,000 मशीन आर्स है आपके पास, तो 10,000 कार्स आप बना लोगे, बराबर है. सम मॉडल्स ऑफ कार्स आर डिलीवर्ड टू द शोरूम यूजिंग कार ट्रांसपोर्ट्स. 60% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर रिलेटेड टू डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज मेड, एंड 40% जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन से 60% 40%, इसमें से 60% का नंबर ऑफ डिलीवरीज इज अ कॉस्ट ड्राइवर और यहाँ पे डिस्टेंस है. ठीक है, द कार ट्रांसपोर्टर हैव फोरकास्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 640 डिलीवरीज इन द ईयर एंड कैरी 10 कार्स ईच टाइम. तो 640 है, दस कार्स ईच टाइम पे, एंड द कार ट्रांसपोर्टर विल ऑलवेज कैरी मैक्सिमम 10 कार्स. द टोटल एनुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 225,000 किलोमीटर्स एंड 50,000 किलोमीटर्स ऑफ दिस फॉर डिलीवरी ऑफ द मॉडल रॉयल कार्स ओनली. ऑल 1,000 मॉडल रॉयल कार्स विल बी प्रोड्यूस विल बी डिलीवर इन द ईयर यूजिंग द कार. तो देखिए 1,000 कार का टारगेट है, बराबर है. टारगेट कितने कार्स का है, 1,000 कार. तो हमें कॉस्ट निकालनी है, हमें फोरकास्टिंग कॉस्ट निकालना है. ठीक है, तो जल्दी से देखिए. हाँ बेटा, तो अभी हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम फोरकास्ट ऑफ टोटल ये निकालना है. हाँ जी, अभी हम लोग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर शुरुआत कहाँ से करें, बराबर है. अभी शुरुआत करते टाइम मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम 4 नंबर, मुझे एक बात बताइए, हमारे कितने लैक्स का कैलकुलेशन है. 2310 लैक्स, बराबर, एंड 60,000 हम लोग उसको डिवाइड करेंगे. तो 60,000 मशीन आर्स बोले तो 2310 डिवाइड बाय 60,000 0.0385, ये पर आर ये कैलकुलेशन आया इनटू 1 लाख. तो मैंने क्या किया, 2310 डिवाइड बाय 0.6 लाख लिया, तो रेट पर मशीन आर ये मेरा आया 3850, यस और नो, बराबर है. दूसरा 540 लाख, इसमें से कितनी डिलीवरीज हो रही है बेटा, 640 डिलीवरी. कैन आई राइट इट एज 640 डिलीवरीज, मतलब 540 डिवाइड बाय 640 टू 1 लाख. तो एक डिलीवरी का कॉस्ट 84,375 पर डिलीवरी हुआ. ठीक है, एंड 360 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 225,000. तो 360 डिवाइड बाय 225,000 इनटू 1 लाख लेता हूं, तो 160 रुपीज पर किलोमीटर हुआ. इसमें कोई डिफिकल्टी है, हाँ या ना, बराबर. अभी मुझे एक बात बताइए, आपको
कितने कार्स बनाने हैं? 1000 कार्स। एकदम सिंपल है बेटा, 1000 कार्स को, एक कार को कितने आवर्स लगते हैं? 6 आवर्स, एंड मतलब 6000 आवर्स इंटू 3850, मतलब आपकी कॉस्टिंग कितनी रहेगी? 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख कीजिए, 231 लाख हुआ, 231 लाख। टैक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी नंबर ऑफ डिलीवरीज 10 कार ईच टाइम, मतलब 100 डिलीवरीज होंगी, बराबर है? 100 डिलीवरीज क्यों? क्योंकि एक एक डिलीवरी में 10 कार, 1000 कार जाने चाहिए। 84375 200 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 84.375 लाख ये अपना कार का ये रहेगा। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड उन्होंने दिया है 50,000 किलोमीटर्स, मतलब 0.5 किलोमीटर्स इंटू 160, तो लैक्स कितना हुआ? 80 लैक्स इसका हुआ। 231 प्लस 84.375 प्लस 80, तब अपने पास 395.375 लैक्स का टारगेट था। और हमने खर्चा कितने करना था? 7.315, उसमें से 2.5 प्लस 4.75 ऐड किया, तो देखो एक सेकंड, ये मेरा टोटल अवेलेबल कॉस्ट है ना बेटा, हाँ या ना? हाँ। और इसको 1000 कार से हमें मल्टीप्लाई कर, अच्छा ठीक है, ऐसा करने से अच्छा 395.375 डिवाइड बाय 1000 कार से ना, कितना कार्स का मैन्युफैक्चरिंग है? 1000 कार्स, मतलब पर कार कितना आपके पास अवेलेबल कॉस्ट है? 395.375 लैक्स एक कार के पास आपके पास अवेलेबल है, 1 लाख। प्लस 2,50,000 प्लस 4,75,000 एंड 39,537.5 ना, हाँ, तो मेरा 7,64,000, हाँ, माइनस 7.3125, मतलब आपने, हाँ, वो आपका गैप हो गया कितना, 7.3125 माइनस 7.645375, मतलब 0.332875, मतलब 33,287.5 ये आपका गैप हो गया। तो अपना लॉस में है क्योंकि मेरा कॉस्ट टारगेट 7.3125 है और मैं बना रहा हूं, तो बेटा मैं इतने में नहीं बना पा रहा हूं। अभी एग्जाम प्रेजेंटेशन इतना आया था मेरा आंसर, 33, हाँ जी, 287.5। लेट्स चेक द आंसर, करेक्ट है। फ्लो बता देता हूं, देखो बेटा सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे, बराबर है? 2310 लैक्स लगे तो आपको कैलसी पे पूरा ले लीजिए, फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, एंड डिवाइड बाय 60,000, 2310 लैक्स पूरा ले लेना, 5 डिजिट्स आगे, डिवाइड बाय 60,000, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या हुआ? 3850 पर मशीनर, बराबर?
540 और 5 जीरोस और दबा देना डिवाइड बाय 640, देखो कितना आ रहा है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड 360 5 जीरो और दबा देना डिवाइड बाय 225,000, कितना आया 160 किलोमीटर। मतलब आपको फ्लो समझ में आ जाएगा। अभी हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड फॉर कितने कार्स है, 1000 कार्स। अभी 1000 कार्स को कितने आर्स लगने वाले हैं, 6000, और 6000 इंटू 3850, ये भी समझ में आया। हाँ, अभी 84375 हमने ऊपर से निकाला, 1000 को एक कार को 10 डिलीवरीज लगते, सॉरी एक डिलीवरी में 10 कार्स जाते हैं। हाँ, आपको ये समझ में नहीं आता है तो ऐसा भी लिख सकते हो, 10 कार्स 1 डिलीवरी, तो 1000 कार्स को लगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते, आपको ध्यान में नहीं आता है तो 100 डिलीवरीज मल्टीप्लाइड बाय ये किया तो आंसर, एंड 50,000 किलोमीटर डायरेक्टली दिया हुआ है तो 80 लाख। तो मेरी टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी हुई, 3,95,37,500, तो एक कार का कितना हुआ, 39,537.5। कोई डिफिकल्टी इसमें समझने में, टारगेट कॉस्ट दिया था और बराबर है, टारगेट कॉस्ट 75% था, 25% प्रॉफिट मतलब, एंड फोरकास्टेड कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ऊपर से आया ओवरहेड, ये मिला के मेरा ये है, तो मेरा कॉस्ट गैप इतना। ज्यादा नहीं, अभी इसको कितना टाइम लगेगा, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट में सॉल्व करना, पढ़ने को 5 मिनट लगेंगे और इंटरप्रिटेशन को टाइम लगेगा। सो इंटरप्रिटेशन इजी था बेटा, ठीक है। आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, स्क्रीनशॉट 4 आप लोग रुक रुक के ले लीजिए बेटा, ये नहीं समझा था आपको, ये खुद से सॉल्व करते टाइम भी इजी लगा, एक बार वापस सॉल्व कर लेना। स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6, देखो टारगेट कॉस्ट का क्वेश्चन था, तुरंत इंडेक्स भर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का इंडेक्स आप लिख रहे हो ना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 4 का इंडेक्स लिखो, न्यू क्वेश्चन ए कैटेगरी का था और नॉट इन स्टडी मटेरियल, फ्रॉम टारगेट कॉस्ट एंड यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग कैलकुलेट कॉस्ट गैप, कैलकुलेट कॉस्ट गैप। आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, नवंबर 2016 में फाइनल में ये क्वेश्चन आया था, कॉस्ट गैप नवंबर 2016। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अभी पहले, फिर 6 सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लीजिए, भले 5 आया क्या बेटा आपको, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस एबीसी कॉस्टिंग दोनों का मिक्सचर है ये प्रॉब्लम, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आपका दिमाग तेज करते, टाइप के प्रॉब्लम आपका दिमाग तेज करते हैं, ये ध्यान में रख, तो बिल्कुल भी गिव अप मत करना। एक्स लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स, सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट कॉस्ट है, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड, कॉस्ट पर सेटअप, प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, इंजीनियरिंग आवर्स, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर्स।
प्रपोज चेंज भी दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट कॉस्ट पांच, करंट सिचुएशन में दिया हुआ है ₹5। प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड मतलब रिक्वायर्ड बिफोर ईच रन, तो 42 ये सेटअप्स लगते हैं पर प्रोडक्शन पीरियड, एंड कॉस्ट पर सेटअप ये 450 है, एंड प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन 960 है। मतलब क्या, एक रन में आप 960 यूनिट्स बनाते हो। शांति से पढ़ने का, 42 सेटअप्स हम लोग लगाते हैं, 42 सेटअप, और 42 सेटअप्स के हिसाब से 450 ये मेरा कॉस्ट पर सेटअप है। एक रन में 960 यूनिट्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग आवर्स पर प्रोडक्शन पीरियड 500 है, एंड कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर्स ₹10 है। अभी कंपनी हैज बिगन द एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट एंड हैज प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड टू कॉस्ट ड्राइवर्स, बट ऑब्वियस एक प्रोडक्शन रन यस कॉस्ट पर सेटअप जो है, दूसरा इंजीनियरिंग आवर्स, तो वही दो हमारे कॉस्ट रहने वाले, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट 96,000, 72,100 रिमेन टू बी एनालाइज्ड। अभी देखो सिंपल है, जो डिक्रीज किया है हमने ₹360 पे ये चला गया, बराबर है, इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स 42 बोलेंगे बेटा, तो मेरा अभी 42 इनटू कितना 360, बराबर है ना, 960 रन्स सेटअप के लिए कितना रन लगा रहे हैं हम लोग, देखो 72,100 तो अभी हमें एनालाइज करना है, बराबर। अभी फिलहाल के लिए हम लोग कितना हमारा कॉस्ट था, तो ₹360 एंड कुछ दिया है क्या मुझे, कितने यूनिट्स बनाने हैं वगैरह, ₹422 × 10। हाँ जी ये देखिए, अभी देखो 960 × 42 ये आप लोग यूनिट्स निकाल रहे थे, तो आपको कितना कितना 320, ये क्या था, मतलब आप कितने पर रन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेटअप में प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड, नहीं, नंबर प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड था। देखो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये हो गया था, कुछ आपको कैलकुलेशंस बताता हूं। देखो 42 सेटअप्स है, बराबर है,
तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे आप ही बताइए. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 42 सेटअप्स इनटू 960 यूनिट्स पहले स्टार्टिंग में, बराबर. मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे बेटा. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार इंटरप्रिटेशन हो गया तो. 40,320 बराबर है. अभी हम लोग नया सेटअप जो है ना वो एक सेटअप में 1008 यूनिट्स बना रहे, तो मेरे 40,320 यूनिट्स बनाने को मुझे कितने सेटअप्स लगेंगे. 40 सेटअप्स लगेंगे और मेरी 40 सेटअप्स की कॉस्ट 360 रुपीज नहीं होगी. कितना रुपया हुआ 360 इंटू 40 14,400. एंड इंजीनियरिंग आर्स, ये मेरे कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आर 10 है और मुझे 422 इंजीनियरिंग आर्स लगने वाले हैं अभी नए हिसाब से, प्रपोज चेंज के हिसाब से. तो 4220 ये कॉस्ट हो गई मेरी, से यस और नो. तो मेरी फिक्स कॉस्ट अभी 96,000 में से 72,100 तो मुझे अनएनालाइज था, मतलब रिमेंस टू बी अनएनालाइज, मतलब वो तो कॉस्ट मुझे लगने ही वाला था 72,100. 96,000 में से मेरा कितने का कॉस्ट डिसाइड हो गया था, तो देखो अभी ये कैसे आया, मतलब 42 सेटअप्स इंटू 450 रुपीज, तो 18,900 मेरा ऑलरेडी मुझे पता था. एंड 500 इंटू 10 रुपया, मतलब 5,000, ये भी मुझे पता था. तो 5,000 प्लस कितना, 42 इंटू 450 नहीं, हाँ प्लस 5,000, 23,900 आउट ऑफ 96,000. तो 72,100 मुझे पता नहीं है, 72,100. अभी इसका मीनिंग समझ में आया क्या, एनालाइज्ड कैसे है, मतलब ये आपको कोई पूछेगा नहीं, एनालाइज्ड कैसे निकाला उन्होंने. 42 इंटू 450 कॉस्ट प्लस 500 इंटू 10, तो इसका एनालाइज्ड हो गया है 23,900 बराबर. और जो अनएनालाइज्ड है वो 72,100, वो तो लगने ही वाला है अपने को. अभी पूरा क्लियर हुआ पिक्चर. और जो नई प्रपोज चेंज के बाद कॉस्ट है 40 सेटअप्स इंटू 360 रुपया एंड 1422 इंटू 10 रुपया, ये मेरा नया सेटअप कॉस्ट है. और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग एज्यूम करता हूं कि आपने लेक्चर देख लिया. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 5 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 18,144 यूनिट्स आप बना रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे डिवाइड बाय 1008, मतलब कितने सेटअप्स आपके लगने वाले हैं, 18 सेटअप्स का ब्रेक इवन पॉइंट है. कितने सेटअप्स का, 18 सेटअप्स का मेरा मेरा ब्रेक इवन है, ये ध्यान में रखो. तो आंसर देखिए बेटा, मतलब मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, इसके लिए ये पहले तो मैं, वो प्रपोज बैच नहीं है, वो प्रपोज वर्किंग नोट 1 सेटअप है वो, ठीक है. तो कैसे निकाला ये, 42 सेटअप्स में 42 इंटू 960 यूनिट्स,
आप इस तरीके से निकाल, कितना आया ये, तो 1008 यूनिट्स आप बनाने वाले हो ना, इनटू 40,320 यूनिट, तो 42 से घर बनाया था एक सेटअप में 1000 यूनिट्स। अभी देखो, हाँ ऐसा निकालो, नहीं तो करंट यूनिट्स, करंट प्रोडक्शन 42 सेटअप्स इनटू 960 यूनिट ना हुआ ये 40,320। नंबर ऑफ सेटअप्स, एक सेटअप 1008 यूनिट्स, 40,320 यूनिट्स, हाउ मेनी, सेट आया समझ में। एंड अभी 40 सेटअप्स टू 360 पर सेटअप, इसको लिखना है 422 का 422 आर्स इंटू रुपीज 10 पर आर, पूरा लिखो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर, तो 18114। प्रोडक्शन रन्स का ब्रेकअप जो हुआ है, प्रोडक्शन रन्स एट ब्रेक इवन, तो 18 रन्स के पास हमारा हाउ मेनी यूनिट्स एंड हाउ मेनी रन्स, तो रन्स ये आपके 18 रन्स हो गए, और सेकंड क्वेश्चन, शुड एक्स कंटिन्यू द ब्रेकअप, कंटिन्यू टू ब्रेकअप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस अंडर एबीसी शोज दैट व्हाइल दिस कॉस्ट आर लार्जली फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम, दे आर नॉट फिक्स टू अदर एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स, दस एबीसी नीड नॉट बी अप्लाइड। ओके, तो उन्होंने पूछा है कि रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट के लिए लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट यूज कर सकते हैं क्या, ये थ्योरी क्वेश्चन। तो कॉस्ट एनालिसिस अंडर एबीसी शोड दैट व्हाइल दिस कॉस्ट आर लार्जली फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम, दे आर नॉट फिक्स्ड टू अदर एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर्स, तो उसके लिए हम लोग एबीसी आला, देखो एबीसी कॉस्टिंग के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर्स चाहिए, और 72-100 they are changes as proposed above for next production period for the same volume of output, तो ये ध्यान में रखो। और ये जो cost है, ये fixed cost, उन्होंने दिखा है कि with respect to sales है, they are not fixed to other appropriate cost drivers, तो ABC कैसे apply करेंगे 72-100 के लिए, आया समझ में, बस ये दो line के marks थे। हाँ जी, ये थ्योरी का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये हम लोग इंडेक्स में लिखेंगे, अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा, हालांकि हार्डली 5 लाइंस का क्वेश्चन था बेटा, आंसर देखे 8 मार्क के हिसाब से बड़ा था, बड़ा आंसर तो था नहीं, चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन सा इजी है, डायरेक्टली करना या इस तरीके से, और अब सेटअप्स अपना इजी है ना, तो उस हिसाब से आंसर, ठीक है। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन, करता हूं समझ क्या होगा। मई 2017 का जो कोई क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, सिंपल करने की कोशिश करता हूं। अ कंपनी कैन मेक एनी और बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द प्रोडक्शन पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ टोटल ऑफ 10,000 यूनिट्स, तो देखो ए एंड बी इन प्रोडक्शन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10,000 यूनिट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर, तो इन्होंने क्वांटिटी पहले ही बता दी है, तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस करने वाले हो,
10,000 यूनिट्स। द कंपनी आर मेकिंग द डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग। बट ऑब्वियस फिर हम लोग याद रखना, हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट मिक्स आता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर बैच निकालने का एक तरीका होता है जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑलरेडी सीखा हुआ था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ये देखा हुआ था, ये याद रखिए। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके बाद आपको दिया गया है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल फिक्स कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन हमें करना, ठीक है। तो 3 lakh रुपीज फिक्स कॉस्ट है। सिंस डिसीजन ऑन द अबव अप्रोच डिड नॉट यील्ड द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, द फिक्स कॉस्ट देयरफॉर एनालाइज्ड एज फॉलोज, 10,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ बी। तो ये उन्होंने 10,000 यूनिट्स का एक एनालिसिस दिया हुआ है। 10,000 यूनिट्स में आपके कितने रन्स हो रहे हैं बेटा, देखो सेटअप कॉस्ट कितने रन्स का हो रहा है, 10 प्रोडक्शन रन्स का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 120 रुपये पर बॉक्स है एंड 4,000 रुपीज, ये 2,000 यूनिट्स के रन के लिए 4,000 रुपये लगते हैं। आप देख सकते हो 10 प्रोडक्शन रन्स 10,000 यूनिट्स के हिसाब से, मतलब एक प्रोडक्शन रन 4,000 रुपया इधर लगेगा और इधर 7,500, 120 रुपीज पर बॉक्स। तो पर बॉक्स है तो 120 पर बॉक्स है 60,000 बराबर। आपके टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो 120, तो आपके कितने बॉक्सेस हुए बेटा यहाँ पे, 60,000 बोले तो 500 बॉक्सेस हुए, 500 बॉक्सेस आपको लगने वाले हैं 10,000 यूनिट्स के लिए और इधर भी 125 बॉक्सेस बराबर है। तो एक रन के हिसाब से निकाला और यहाँ पे 4,000 यूनिट्स पर 2,000 यूनिट्स है तो बराबर 10,000 यूनिट्स के लिए 20,000 ये आ गया। 30,000 कैन बी कंसिडर्ड एज दी अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट। तो आपका टारगेट क्या है प्रोडक्शन मैनेजर का, नंबर ऑफ यूनिट्स पर रन, ये 2,000 यूनिट्स उनको करना है। अभी फिलहाल कितने रन्स हो रहे बेटा, एक प्रोडक्शन रन में 4,000 रुपये लग रहे हैं वो ठीक है, हाँ मतलब 10,000 यूनिट्स 10 प्रोडक्शन रन्स में, मतलब 1,000 यूनिट्स, ये 1,000 यूनिट्स को बढ़ा के 2,000 यूनिट्स इनको करना है। तो 1,000 यूनिट्स आपके बढ़ जाएंगे, कितने यूनिट्स बढ़ जाएंगे बेटा, 1,000 यूनिट्स एक रन में बढ़ जाएंगे और इधर 250 यूनिट्स प्लस हो जाएंगे बराबर। और अभी आपके 500 बॉक्स में 10,000, मतलब 10,000 यूनिट्स 500 बॉक्सेस में, मतलब एक बॉक्स में कितने हुए 20 यूनिट्स। तो ये 20 का 30 हुआ तो ये 10 यूनिट्स बढ़ जाएंगे एंड यहाँ पे अस्सी यूनिट्स थे तो ये 80 यूनिट्स से 125, तो इधर 45 यूनिट्स प्लस हो रहे एग्जिस्टिंग में। एंड में आ रहा है आपको, हाँ जी बेटा देखिए यही मैंने कैलकुलेशन किया, 40,000 10 रन्स के लिए, तो एक रन के लिए कितना 4,000 रुपया पर रन एंड 7,500 पर रन। अभी पहले टोटल प्रोडक्शन आपका कितना होगा, हाँ जी उन्होंने बोला है कि 15,000 यूनिट्स आपका आपको बढ़ाना है, देर वॉज नो चेंज, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज टू 32,000 बराबर है। तो 15,000 यूनिट्स एक इसमें आपके नए रन्स जो है, नए रन्स वो 2,000 यूनिट्स हैं,
तो आपको 8 रन्स लगने वाले हैं, ये एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, और आप लोगों ने रन्स बढ़ा दिए एंड 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 1250, तो आपको 12 रन्स ये यहाँ पे लगने वाले हैं। 7.5 पॉसिबल नहीं है, पर आपके नए रन्स आपको मिल गए 8 रन्स, एक रन में 2000 यूनिट्स। वैसे ही प्रोडक्शन का, अभी हमें 500 बॉक्सेस और 120 बॉक्सेस लग रहे बराबर, पर अभी टोटल प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स होने वाला है और एक बॉक्स में हम लोग 30 यूनिट डालने वाले हैं, तो 500 बॉक्सेस अभी अपना 15,000 के लिए भी 500 ही बॉक्सेस लगने वाले, पुराने बॉक्सेस से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो, एक बॉक्स में 30 यूनिट्स तो 15,000 के लिए कितना। तो बेटा जिसको भी ये कैलकुलेशन आ जाएगा उसके लिए बहुत ईजी होगा, आपको ये समझ के लेना पड़ेगा कि हम लोग 15,000 यूनिट्स के हिसाब से कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। तो एक बॉक्स को कितने यूनिट्स है, 30 यूनिट्स, तो 15,000 के लिए कितना बॉक्सेस लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 500 बॉक्सेस, तो 500 बॉक्सेस, और इधर भी 15,000 के हिसाब से 15,000 डिवाइड बाई 125, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, 120 बॉक्सेस, ठीक है, तो 120 और इधर 200 रुपये पर बॉक्स तो कॉस्टिंग जा रहा है अपना, तो 60,000 इसका और 24,000 इसका, आया समझ में। एंड अभी एक रन ये 2000 यूनिट्स का है बराबर, 4000 रन लगते हैं। अभी 15,000 के लिए कितने रन्स लगेंगे बेटा, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, 2000 के हिसाब से 7 रन्स लगेंगे और एक 8 रन, मतलब हमने ऊपर रन्स निकाले थे, तो एक रन का 4,000 रुपया है, तो 8 रन्स के 32,000 हो जाएंगे बराबर। और ऊपर ही हमने इसके कितने रन्स निकाले थे, 1000 यूनिट्स का एक रन है इधर, 1000 यूनिट्स का एक रन, तो 15 रन्स लगेंगे अपने को बराबर है, तो 15 रन्स इंटू 5,000 कितना हुआ बेटा, 75,000। तो हमारी कॉस्टिंग हमें मिल गई है, 15,000 यूनिट्स का टारगेट कॉस्ट कितना है, एंड अनएनालाइज्ड कॉस्ट हमारा पहले 30,000 था, वो अभी 32,000 पे गया है। तो मेरी कॉस्टिंग क्या लगेगी 15,000 के लिए, तो देख लीजिए, आठ रन्स का 4,000 पर रन, 32,000, ए का 32,000 क्या होगा, हाँ जी बेटा देख लीजिए, 32,000 मेरा सेटअप कॉस्ट आएगा, समझा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये 60,000 और ये दोनों का निकाल लेते हैं, और इधर 12 रन्स इंटू 7,500 90,000 बराबर है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने ऊपर निकाली थी 60,000 और 24,000, एंड फिक्स कॉस्ट भी हमने निकाली थी 32,000 एंड 75,000, और अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट 32,000 एंड 32,000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 यूनिट्स इंटू 40 रुपया, 15,000 यूनिट्स इंटू 40 रुपया, ठीक है। तो बेटा ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एक बार मैं आपके लिए वापस रीकैलकुलेशन करता हूँ, एग्जाम में आप कैसे करोगे, एक बार सिर्फ फास्ट में कर लेंगे। देखिए बेटा हमें 15,000 यूनिट्स का टारगेट है, कितने यूनिट्स का टारगेट है, देखिए पहले मैं एग्जाम में आप बैठा हूँ, मुझे 15,000 यूनिट्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा। अभी पर रन 1 यूनिट, सॉरी 1 रन
नहीं, 2,000 यूनिट्स हैं, तो 15,000 के लिए कितने रन? 7.5, तो 8 रन्स। ये मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, अभी मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं लगे तो डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कौन सी कॉस्ट बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ लगे तो प्रेजेंटेशन में। okay, कौन सी कॉस्ट थी पहले, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट में देखो 15,000 यूनिट्स हमें तैयार करने हैं, 2,000 यूनिट्स, तो अभी का कॉस्ट पर रन ये ₹4,000 है, इधर ही कर लेते, और ये मैं यहाँ पे लगे तो 8 रन्स ये ले लेता हूँ, और 8 रन्स कैसे निकला पूरा वर्किंग नोट करने से अच्छा है, 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 2,000 यूनिट्स पर रन, और ये अप्रोक्सीमेट है, तो ये मैंने ऐसा साइन इसलिए डाला क्योंकि 7.5 मुझे लेना नहीं था, इसलिए 8 रन्स बराबर है। कितना अमाउंट आया बेटा ये 32,000, तो एक ही इसमें आपको करना है, तो ये कैलकुलेशन याद रखना, तो मेरे जैसा नहीं करना है इसमें करना, तो इधर कितना है बेटा 15,000 1,250, ये तो एग्जैक्ट आएगा ना, 12 रन्स मल्टीप्लाइड बाय 4,000 नहीं, अभी ये 10 रन्स का 7,500 लगे, तो 44,000 कहाँ से आया उसका भी एक्सप्लेनेशन इधर ही दे दो, 40,000 डिवाइड बाय 10 रन्स, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जाना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 30 यूनिट्स, तो कितने बॉक्सेस हुए बेटा 500 बॉक्सेस, इधर लिखता हूँ सिर्फ, अभी ये ध्यान में आना चाहिए 15,000 यूनिट्स, 30 यूनिट का एक बॉक्स, तो बच्चा 15,000 के लिए कितने बॉक्सेस, तो 500 बॉक्सेस, टू ₹120 पर बॉक्स, सॉरी ये थोड़ा नीचे लिखना, होगा बेटा 500 बॉक्सेस टू, और दूसरे का कितना बॉक्सेस है, 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 120 बॉक्सेस, ₹24,000 बराबर 25,000 आएगा रे, डिवाइड बाय 25, ठीक है बराबर है। लास्ट वन इज स्टेप फिक्स कॉस्ट,
इसमें भी देखो बेटा, 4,000 के 2,000 यूनिट्स का एक रन है, हाउ मेनी 15,000 यूनिट्स के लिए, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है, तो मैंडेटरी लगेगा। तो मुझे, हाँ तो मुझे 8 रन्स के लिए 2,4,000 रुपीज़, 2,000 ये कैसे निकाला, 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 2,000 यूनिट्स पर रन, हाँ तो कितना होगा ये, बोलो भैया, 5,000 यूनिट्स फॉर 1,000 यूनिट, तो इधर मेरा 15 रन्स हुए ना, 15 रन्स, क्योंकि 15,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 1,000 यूनिट्स पर टन, बोलिए अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट को सो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हुआ बेटा मेरा, टोटल ओवरहेड 32 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 32, 90 प्लस 24 प्लस 75 प्लस 32, 2,21,000 एक ही टेबल में सब निपटाया, ये इजी है क्या, चारों लिखने का टाइम नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से मत जाइए, इसका कॉपी पेस्ट करवा लीजिए, एक ही टेबल में मैंने पूरा बिठा दिया, वन टेबल जी। ये तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाजू में ही लिखा हुआ है मैंने अपने कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड निकाल, तो टाइप करवा लेना, क्वेश्चन बड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अभी देखो, नहीं फिर आप लोग ये कंट्रीब्यूशन में से ये नहीं लिखते हुए, फिर दूसरा टेबल निकालना, ओवरहेड कितना आया, इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे 1,56,000 एंड, समझ में, तो ये 24,75,32, तूने गलत किया क्या, गलत हुआ इधर, ये 379, करेक्ट है, इंस्टीट्यूट का देखो क्या आया है, सेवेंटी, तो कौन सा बेटर है बेटा,
इधर गलत हुआ है हमारा, 120 और 70 हुआ है, बराबर है ये, बराबर है ऊपर का, ये हमारा गलत हुआ है, 15 लाख नहीं लेते हुए इधर, ये इधर नीचे लेना बेटा, 15,000 इंटू, नहीं तो इधर डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन इज, कॉन्ट्रीब्यूशन ही डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 100, नहीं उन्होंने ही दिया हुआ है ना, 40 × 15,000, इधर ही नीचे ले लेना, इधर इसके नीचे बताना बेटा, 40 × 15,000, और इधर कितना बताओगे, 50 × 15,000, अभी देखो यहाँ पे गलत हुआ है, 7,50,000, 50 × 15,000, 5,29,000, सो कौन सा प्रॉफिटेबल है बेटा, 4 लाख, हाँ तो उन्होंने ये नहीं पूछा है कौन सा प्रॉफिटेबल है, बस अलग अलग ये पूछ लिया है, और उन्होंने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए, अभी देखो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए उन्होंने मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं मोटा मोटी फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा, मोटा मोटी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लूंगा, पर ये ब्रेक इवन पॉइंट मैं अप्रॉक्सीमेटली निकालूंगा, अभी ब्रेक इवन पॉइंट का कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा, नहीं अपने को फिक्स कॉस्ट, हमने फिक्स कॉस्ट निकाला था 1 लाख, वैसे देखने गए तो 1,56,000 निकाला था बेटा, एंड अनएनालाइज कर, नहीं टोटल टोटल 156 निकाला था, एक मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, हाँ और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा, एक 40 रुपीज, मतलब एक, नहीं नहीं मैं आपको एक अंदाज से बता रहा हूँ, ये 15,000 यूनिट्स का है, तो मोटा मोटी अपना 156 डिवाइड बाय, तो हमारा 10 रुपये के आसपास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना चाहिए, बराबर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम लोग 15,000 यूनिट से यदि डिवाइड करते हैं तो मेरा 10 रुपया, पर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वैसे देखने गए तो कितना है, 40 रुपये है, मतलब हम लोग ये ध्यान में रखो कि ये हमें 40 रुपये के आसपास रहेगा, ये हमारा 40 रुपये के आसपास रहेगा, अभी हमें कौन से, अभी देखो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बीपी यूनिट्स के ऊपर, बीपी यूनिट्स के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है मैं आपको समझाने की, देखो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा फिक्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा 40 रुपया, ये मुझे पता है बराबर, पर मुझे यही नहीं पता कि बीपी यूनिट्स मुझे कितने निकालने हैं, बीपी यूनिट्स मुझे कितने निकालने हैं यही मुझे पता नहीं है, अभी इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट डिपेंड है, अभी देखो एक रन का 4,000 रुपया है, एक रन का 4,000 रुपया है, अभी 2,000 यूनिट्स के आसपास आंसर होगा, ठीक है, अभी मैं क्या काम करता हूं मैं आपको सिंपली ये बताता हूं, एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग सबसे लोएस्ट मतलब 2,000 यूनिट, देखो 2,000 यूनिट्स का खर्चा निकाल लेते, क्योंकि 2,000 यूनिट्स मोटा मोटी हम लोग 2,000 यूनिट्स बना के चले तो हमारी 32,000 और 32,000 ये जो कॉस्ट है ना वो वेरी हो जाएगी, मतलब उसके हिसाब से कैलकुलेशन आएगा, मैं क्या करता हूँ एज्यूम करता हूँ कि मैं 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो 2,000 यूनिट्स के लिए मेरा मोटा मोटी फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है, तो देखो अभी देखो 2,000 यूनिट्स यदि मैं बनाता हूँ तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगना चाहिए ये देखते हैं, तो 40 रुपया और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, 80,000 रुपया यदि आ रहा है आसपास तो मैं 2,000 यूनिट्स के नीचे ही बनाऊंगा, यदि मेरा फिक्स कॉस्ट वो कवर नहीं होता है तो लेट्स चेक, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एज्यूम करो मैं 2,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, कितने यूनिट्स बना रहा हूँ 2,000 यूनिट्स, मतलब मैं एक ही रन मुझे लगेगा, एक रन बोले तो इसका 4,000 रुपया ये हो गया, अभी 2,000 यूनिट्स बना रहा हूँ तो मेरे बॉक्सेस कितने लगेंगे मुझे, 2,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 30 × 120 रुपया, मतलब मोटा मोटी 8,000 रुपया, 8,000 मुझे बॉक्सेस का लगेगा और सेटअप कॉस्ट मुझे 4,000 रुपया लगेगा, बराबर है, एंड 32,000 ये मेरी अनएनालाइज फिक्स कॉस्ट है,
हाँ मतलब मेरा 48,000 तब मेरा फिक्स कॉस्ट होने वाला है। कितना फिक्स कॉस्ट होने वाला है बेटा? 48,000। और 48,000 जब फिक्स कॉस्ट होगा एक समझ लीजिए, तो मेरे 2,000 यूनिट्स मेरे रिकवर होंगे। पर इधर तो मेरा फिक्स कॉस्ट जो मैं देखने जा रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो मुझे 80,000 तक का क्या दे रहा है बेटा? 80,000 तक का ब्रेक इवन पॉइंट अलाउड कर रहा है। फिक्स कॉस्ट मेरी, फिक्स कॉस्ट उससे नीचे ही है। हाँ तो अभी हमें यूनिट्स बनाने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, अभी यूनिट्स में घटा के देखना है। हाँ बिकॉज यूनिट्स मेरे घटा के क्यों देखने हैं? क्योंकि मेरा 80,000 फिक्स कॉस्ट मुझे अलाउ कर रहा है, पर मेरा खर्चा तो 48,000 में ही हो रहा है खत्म। नहीं ना, अभी जैसे मैं यूनिट्स बढ़ाऊंगा, 3,000 यूनिट्स किए, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे 1,20,000 तक का ये कभी मैच ही नहीं होगा। अभी देखो, 3,000 यूनिट्स में बनाता हूं, एग्जांपल 3,000 यूनिट्स बनाता हूं, तो मुझे कितने रन देने पड़ेंगे बेटा? 3,000 डिवाइड बाय 2,000, 3,000 डिवाइड बाय 2,000 मतलब 1.5, मतलब 2 रन। तो 2 रन मतलब ये 8,000 का कॉस्ट हुआ बराबर। पंद्रह हजार नहीं, 3,000 डिवाइड बाय 13 × 120 रुपया, मतलब 12,000 मुझे इसका लगेगा बराबर। दो हजार यूनिट्स मतलब 2 रन्स के लिए 4,000, मतलब 8,000 रुपये ये लगेगा। हाँ एंड 32,000, मतलब ये कितना हुआ? 60,000। मतलब देखो, मुझे फिक्स कॉस्ट एक्सपेक्टेड 1,20,000 है और मेरा 60,000 हो रहा है, तो गैप कितना हुआ? 60,000 बराबर। और इधर गैप कितना था? 48,000 और 80,000 का 32,000। मतलब मैं यूनिट्स बढ़ाऊंगा तो मेरा गैप और बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक साइकिल निकाला, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है, पर एक बैच में कितने यूनिट्स यही मुझे पता नहीं है। अभी 2,000 यूनिट्स मैं बनाऊंगा तो मुझे फिक्स कॉस्ट ये एज पर फॉर्मूला कितना अलाउड है? 80,000 अलाउड है, और मैं फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में कितना आ रहा है? 48,000। मतलब मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? डिफरेंस आ रहा है 32,000। मैं 3,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 1,20,000 है, 60,000 आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 60,000। अभी 15,000 यूनिट्स के लिए इधर ही मैं आपको बताता हूं, 15,000 यूनिट्स के लिए, सॉरी बेटा 15,000 यूनिट्स, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, तो 15,000 यूनिट्स मल्टी के लिए फिक्स कॉस्ट अलाउड कितना है बेटा? फिक्स कॉस्ट अलाउड है 15,000 यूनिट्स × 40 रुपया बराबर 6 लाख। एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितना निकाला आपने? 1,56,000। तो डिफरेंस देखिए कितना, तो भाई साहब डिफरेंस तो बढ़ते ही जा रहा है। तो 2,000 यूनिट्स के नीचे रहोगे तो ही ब्रेक इवन पॉइंट कवर होगा। कब कवर होने वाला है? 2,000 यूनिट्स के नीचे। अभी 2,000 यूनिट्स के नीचे अपने को ध्यान में रखना है कि 2,000 यूनिट्स के नीचे आपको एक ही रन लगेगा बराबर। मतलब आपका ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4,000। 2,000 यूनिट्स बनाए, आपको कितने बॉक्सेस लगेंगे बेटा 2,000 के नीचे? वट एवर दी बॉक्सेस, तब जो भी आपने यूनिट्स बनाए, यूनिट्स डिवाइड बाय 30 यूनिट्स पर बॉक्स, डिवाइड बाय × 120 रुपीज पर बॉक्स, करेक्ट है? और 2,000 यूनिट्स का एक ही रन, तो सेटअप कॉस्ट भी आपका 4,000 ही रहेगा।
एंड उसके बाद अनएलोकेटेड कॉस्ट कितनी होने वाली है बेटा आपकी, 32,000। तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 40,000 बराबर इनटू जो भी यूनिट्स मैंने बनाए, तो 4x मतलब यहां पे मेरा बीपी यूनिट्स यदि मैं एक्स एज्यूम करता हूं तो मेरा 40,000 प्लस 4x डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40 बराबर है क्या बेटा। तो 40x माइनस 4 मतलब 36x, 36x इंटू 40,000 मतलब ऑन एन एवरेज में 1111 ये मेरा यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट पे बनाऊंगा। आंसर देख सकते हो ये 1111 यूनिट्स मतलब कितने बॉक्सेस हो जाएंगे बेटा, डिवाइड बाय 30 यूनिट्स पर बॉक्स मतलब ऑलमोस्ट 37 बॉक्सेस, 0.03 मतलब 38 बॉक्सेस। तो 38 बॉक्सेस के हिसाब से एक बॉक्स में 30 यूनिट्स, तो आप लोग 1140 यूनिट्स लेके जाओगे, ध्यान में रख। अभी देखो 114 यूनिट्स बनाए तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितने लगने वाली है, तो ये मेरा मैच हो जाएगा ना फिर। 114 यूनिट्स मतलब मेरा सेटअप कॉस्ट ये मिला के मेरा पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 38 बॉक्सेस में बनाऊंगा और 38 बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय एक बॉक्स में 30 यूनिट्स, तो मैं 1140 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने वाला। जस्ट टू द प्रेजेंटेशन, अभी प्रेजेंटेशन कैसे करना बेटा, ये वाला तो प्रेजेंटेशन कर ही लेना। उसके बाद 2000 यूनिट्स, और जैसे आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो गैप बढ़ेगा, और इसलिए हमने 2000 यूनिट्स के नीचे आना है। तो ये भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए बेटा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है 2000 यूनिट्स के नीचे क्यों, तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा। पर 2000 के ऊपर गए तो गैप बढ़ेगा और अपने को गैप कम करनी है, फिक्स कॉस्ट अलाउड और एक्चुअल, तो इसीलिए आंसर को इसी तरीके से प्रेजेंट कर। ओके, शॉट ले लिया थे उस दिन, ये ले लिया था ना, ये हो गया लिख के, ये भी ले लिया। अच्छे से लिखना ये, ये भी देख लेना, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो भी लिख लेना। और फिर इसीलिए हम लोगों ने 2000 यूनिट्स के नीचे कैलकुलेशंस किए, मत करना तो आया ये भी याद रखे। इजी, हाँ ओके बेटा, समझ में आया। मैं 2018 का क्वेश्चन, आ जाइए बेटा। देखो दो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे, एक जेल पेन बनाना है एक बॉल पेन बनाना है, बराबर है। डरो मत बेटा, कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद ऐसे डरने का नहीं बिल्कुल भी। फॉलोइंग डेटा उन्होंने फर्निश किया हुआ है, एनुअल आउटपुट दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आउटपुट के बाद मतलब मैं जब प्रॉब्लम पढ़ता हूँ तो मैं दिमाग में यही लगता हूँ कि मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है, मुझे जेल पेन और बॉल पेन की कॉस्ट निकालनी है। मुझे 5,500 जेल पेन तैयार करने, बॉल पेन हालांकि ज़्यादा तैयार करने हैं। तो बट ऑब्वियस मशीन आज जेल पेन से ज़्यादा बॉल पेन में ज़्यादा अर्थ लगेंगे, बट नॉट प्रोपोर्शनेटली। वैसे देखने गए तो आप एक जेल पेन जो है वो 24,000 डिवाइड बाय 5,500 मतलब मोटा मोटी 4.5 घंटे लग रहे, मोटा मोटी बराबर। और इधर 54,000 डिवाइड बाय 24,000 मतलब मोटा मोटी सिर्फ 2 घंटे लग रहे, वो अपने को ध्यान में आना चाहिए। पीओ भी देखो बड़ ऑब्वियस परचेस ऑर्डर्स जो निकले हैं, जेल पेन के सिर्फ 240 क्योंकि क्वांटिटी भी ऐसे देखने गए तो, पर परचेस ऑर्डर 5,500 डिवाइड बाय मतलब एक परचेस ऑर्डर में सिर्फ 22 पेंस लेने का बोला जाता है, और इधर 448 मतलब एक परचेस ऑर्डर में 53 पेंस जा रहे मोटा मोटी। मतलब एक परचेस ऑर्डर में आप कितने यूनिट्स मंगवा रहे हो, बराबर।
और सेटअप भी देखो, 5230 सेटअप लग रहे हैं। मतलब देखो इधर भी एक सेटअप में भी जेल पेन आपके बहुत कम तैयार हो रहे हैं, एंड बॉल पेन्स को 56 सेटअप में आप 24,000 यूनिट्स बना रहे हो भाई। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक मोटा मोटी हमें क्वेश्चन में ये समझ में आएगा कि जेल पेन को ज़्यादा घंटे भी लगते हैं, परचेज ऑर्डर्स भी मतलब ज़्यादा ही है, तो एक परचेज ऑर्डर में कम ऑर्डर दिए जाते हैं। मतलब जो कस्टमर है हम सॉरी जो हम लोग परचेसेस दे रहे हैं, तो ज़्यादा पेन्स के लिए ऑर्डर्स भी नहीं दे रहे हम लोग, एंड सेटअप्स भी जेल पेन में ज़्यादा लग रहे हैं। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम रिलेटेड, तो कितना एक्टिविटी कॉस्ट है बेटा? सेटअप कॉस्ट दिया है, परचेस रिलेटेड कॉस्ट। अभी एनुअल हम लोग यदि ट्रेडिशनल सिस्टम से जाते हैं, तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या बोलता है? रिकवरी रेट निकाल, कितना हुआ देखो, 475 पहले 0 to 0 प्लस 579 988 504 992। बेटा आपके भावनाओं के साथ पूरा खिलवाड़ होगा, ऐसे पॉइंट में आंसर्स लाएंगे, कभी कभी डायरेक्टली आंसर आएगा, एक आध पॉइंट में आएगा, वो तो इंस्टीट्यूट आपके मजे लेने वाली है। और बेसिस मशीन आरसी ट्रेडिशनल में बेसिस पकड़ेंगे, अभी ट्रेडिशनल तो सबको पता है, तो ये हम लोग इधर एबीसी में रखते हैं, इधर ट्रेडिशनल में लगते हैं। ट्रेडिशनल में 78,000 आर्स हम लोग रिकवरी रेट के लिए, तो ₹20 पर मशीन आर ये हमारा होने वाला है। उसमें से 24,000 x 20 तो मेरा इसमें से 480,000 टूवर्ड्स जेल पेन का कॉस्ट है, और बॉल पेन का 10,80,000 ये बॉल पेन का है। पर यूनिट में यहाँ पे एक यूनिट का ओवरहेड कितना लगाऊंगा? ₹87.27 जानबूझ के पॉइंट में आएगा बेटा, ये ₹87.27 यहाँ पे आएगा। जेल पेन का कॉस्ट देखिए पर यूनिट 87.27 और इधर 45, चेक कीजिए। प्रेजेंटेशन क्या किया हमने, इसकी टोटल ली, ये देखिए टोटल लिया, मशीन आवर से डिवाइड किया 20 आवर्स, जो भी मशीन आवर से उसकी ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ गया। लॉजिक समझ में आया सबको? लिख लिया क्वेश्चन पे, आप लोग लिखते रहिए, आपके पास हार्ड कॉपी रहनी चाहिए, कब लाओगे मुझे पता नहीं, विदाउट हार्ड कॉपी कैसे पढ़ते हो यही समझ में नहीं। अच्छा ना, हार्ड कॉपी के बिना क्वेश्चन पढ़ते ही? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, इतना लेजीनेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब क्या? आउटपुट रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड में अभी उन्होंने देखो ये अपना उन्होंने बोला है कि ये मशीन आवर्स से डिवाइड कीजिए, ये सेटअप से डिवाइड कीजिए, परचेस पीओ से डिवाइड कीजिए। तो ये 78,000 से डिवाइड कीजिए, सेटअप्स बोले तो 86 से डिवाइड कीजिए, और ये अपना 688 से डिवाइड कीजिए, तो 475,020 डिवाइड बाय 78,000, तो ये आपका 6.09 आया एबीसी। 579,988 डिवाइड बाई 86 किया, तो ये ऑलमोस्ट, डरना मत,
आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और वो पूरा खेला जाएगा आपके भावनाओं से। 05 और 504992 डिवाइड बाय एक पॉइंट में आने वाला है और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। 734 अभी 6.09 24,000 इंटू 6.09 146160 ये देखिए 54,000 6.09 इंटू 54,000 328860 देखो दोनों का टोटल 475020 मैच हो गया, बाइफरकेशन मिल गया। अपना मेन एम क्या है, दोनों में बाइफरकेट कर। अभी क्लियर हो रहा है ना पिक्चर, सिर्फ मैथमेटिकली मत करो, लॉजिकली भी करो थोड़ा। 579 के बाद 734 इंटू 240 176160 लास्ट वाला परचेस रिलेटेड 448 इक्वल टू 328832 दोनों का टोटल लो, मैच हो गया क्या 504992 परचेस रिलेटेड कॉस्ट ये भी हो गया एंड 6744 पॉइंट। तो एक काम करो डायरेक्टली कैलसी पे ना जो नंबर है 579988 पूरे डिजिट्स रहने दो डिवाइड बाय 86 इंटू 30 इज इक्वल टू 202321 आया 0.39 है और दूसरे का 56 इज इक्वल टू 376 77667 दोनों के टोटल देखो 8 आ रही है लास्ट में। यस दोनों के टोटल लो 376 76 प्लस 202321 579 अब ये भी मैच हो गया। जो भी कॉस्ट आएगा डिवाइड बाय इट्स करो, देखो ऊपर का कॉस्ट जेल पेन का एबीसी में ज़्यादा आ रहा है और बॉल पेन का एबीसी में कम आ रहा है, तो कितने से कम ज़्यादा आ रहा है वो लास्ट में आंसर डिफरेंस इन ओवरहेड कॉस्ट ये आपको लिखना है। बस खत्म हो गया। क्या नया समझा जो आपने सोचा नहीं था, लॉजिकली आपने नहीं सोचा था, डायरेक्ट कैलकुलेशंस किए मैंने, वही के वही आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बताया कि करना कैसे है। 10 मार्क हाथ। ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसका आगे का क्वेश्चन ये आपके इलू 3 जैसा है, एक बार चेक कर लीजिए। टीवाई के 4 के जैसा है वो, आपको लिख के भी रखा है, इधर लिख देना बेटा सिमिलर टू लो 3। और आज वापस एक बार चेक करना कोई क्वेश्चन सिमिलर है क्या, मतलब अपना उतना आगे के बैच में बच्चों को नोट्स अच्छे जाएंगे, कर लोगे क्या बेटा इतना। पक्का अलग अलग है, बहुत इजी है बेटा, 10 10 मार्क के क्वेश्चन अलग रहेंगे तो भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकल होते हैं। और मैं क्या सोच रहा हूँ ये आपको एक बार बता दूंगा तो इजीली भी समझ में आ जाएगा। आज का टारगेट है 13 क्वेश्चंस, 2 तो मैं नहीं लूंगा, 9 और 10, 11 12 13 मतलब 8 ले लूंगा और 4 क्वेश्चंस, तो आज का टारगेट अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा। Messrs. HNB Limited producing a product 10 batches. शांति से पढ़ने का, प्रोडक्ट इन 10 बैचेस मतलब 10 बैचेस जा रही है ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ ईयर। एक बैच में 15,000 यूनिट तैयार होते हैं, मतलब टोटल यूनिट्स कितने तैयार हुए बेटा, 150,000।
मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया हुआ है, मेंटेनेंस, सेटअप कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ये ओवरहेड कॉस्ट है और ये प्राइम कॉस्ट है। द कंपनी इज यूजिंग करंटली द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। बेसिस दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट का बेसिस है, ओवरहेड के टोटल ले लीजिए। ₹51,79,300 डिवाइड बाय ट्रेडिशनल में इधर लिख लेते जैसे ऊपर के भी प्रॉब्लम में की, समथिंग 17.18% लोग चार डिजिट्स एक्यूरेसी बढ़ जाए। अभी क्या हुआ बेटा, ने 15,000 यूनिट्स का एक बैच बनाया और इसमें हमने खर्चा किया 26,38,700 प्लस 375,200, तो मेरा प्राइम कॉस्ट हुआ बराबर, तो मेरा ओवरहेड कितना अप्लाई होगा बेटा इसमें, प्राइम कॉस्ट तो मेरा इधर 1,517,930 ये मेरा ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा एज पर ट्रेडिशनल। एक जीरो कम कर दूं तो डिवाइड बाय 15,000 यूनिट्स, तो एक यूनिट का कॉस्ट मेरा 235.45 हो जाए। पांच मार्क, तीन मार्क तो मिल गए। प्राइम कॉस्ट लिया, परसेंटेज नहीं लिया रहता तो भी चलता था वैसे तो, एक जीरो सिर्फ कम करना था, कॉस्ट लिया डिवाइड बाय 15,000 यूनिट्स कर दिया तो एक यूनिट की कॉस्ट समझ। तो आपकी गलती क्या हो रही है, आप लॉजिकली नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी इधर मैं एबीसी में आऊंगा, एबीसी में मुझे ये पूरे साल भर का कॉस्ट निकाल, मटेरियल प्रोक्योरमेंट किससे डिवाइड करूंगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट बोले तो पीओ ऑर्डर से, इधर डिवाइड बाय 1500 करूंगा तो मुझे कॉस्ट पर प्रोक्योरमेंट समझ में आएगा। मेंटेनेंस को मेंटेनेंस से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ सेटअप्स 2250, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस क्वालिटी कंट्रोल में सेटअप्स 2250 2710 तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा 22,500 डिवाइड बाय 1.5, 1500 रुपया पर पीओ हुआ। 1730 डिवाइड बाय 0.08 पर आर हो गया। करना नहीं है बेटा, करना नहीं है, 304.22 पर सेटअप हो गया। तो ये पर इंस्पेक्शन हो गया। देखिए उन्होंने भी यही निकाला होगा, इधर दिया है कि हमें पहले तो निकालना पड़ेगा ना, आर यू मैड, कि हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलते इसको, और फिर जो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकला अभी इसको 1500 से मल्टीप्लाई, मेंटेनेंस आर्स को 190.53 से मल्टीप्लाई, 304.22 से मल्टीप्लाई इनटू
189.96 से मल्टीप्लाई, मेमोरी प्लस में लीजिए, टू फोर थ्री टू फोर सेवन, देखो सेवेंटी टू थाउजेंड पंद्रह सौ से मल्टीप्लाई किया, यस, फिर नेक्स्ट वन एट वन जीरो इंटू ये आया, ये भी सही है, ये भी सही है, फोर सेवन फोर नाइन ये भी सही है, और लास्ट में जो भी है ये दोनों कॉस्ट ऐड कर दिए। व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट का टोटल बेटा? थ्री जीरो वन थ्री नाइन जीरो, नो देखो तो 243 मेरा कितना आया, इनका टोटल 243,247 बराबर है, और तुम्हारा मटेरियल और ये ऐड हो जाएगा, मटेरियल कितना है 2638700 प्लस 75200 प्लस 243,247 32,57,000 डिवाइड बाय 15,000 तो ट्रेडिशनल से आपका आया 235, इससे आया आपका 217। अभी समझ गया, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, बट इससे ज़्यादा मैं इजी नहीं कर सकता। इजी लगा? अभी एक बार बिना देखे फटाफट फटाफट सॉल्व कर ले, हर क्वेश्चन सेम ही है। ये तो एबीसी है, इसमें तो ट्रेडिशनल भी नहीं पूछा है, एटलीस्ट ऊपर तो ट्रेडिशनल वर्सेस एबीसी चल रहा था। ट्रेडिशनल में हम लोग कोई बेसिस ले लेते थे, जैसे कि उसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने लिया था बेसिस मशीन आर्स, उसके बाद हमने प्राइम कॉस्ट। अभी बेटा इसमें तो ट्रेडिशनल भी नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा इजी होना चाहिए कॉस्टिंग आपके लिए। एबीसी इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस, एप्पल ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट। छह मार्क का क्वेश्चन है बेटा, बच्चे वाला क्वेश्चन है। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ठीक है, मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, नंबर ऑफ पीओज, नंबर ऑफ डिलीवरीज। अभी देखो मटेरियल पर यूनिट ये 8 रुपया है, मतलब 80,000 रुपया इसका लगेगा, इंटू ऊपर से कर देना टू 5 से कर देना। अभी इधर ये होने के बाद 64,000 को ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पीओ से डिवाइड कीजिए, 80 हो गया, तो 64,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 800, तो इसको आपको 800 इंटू से मल्टीप्लाई करना है, तो 800 इंटू 34 इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ 27,200, 32 इज इक्वल टू 25,600, 11,200। देखो टोटल लीजिए, 11,200 प्लस 25,600 प्लस 27,200, 64,000 ओवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट 158,200 डिवाइड बाय
426 बेटा, अभी इसके 6 मार्क्स तो बच्चे वाले मार्क्स है, ये 700, तो इनटू 700 कर दो, 110 इज इक्वल टू 77,000, 64 इज इक्वल टू 44,800, 36,400 करेक्ट है। शेल्फ स्टॉकिंग का वन नाइन टू वन एट नाइन जीरो 31840 बेटा, इतना फास्ट होता है बात, बच्चा अपना इतना फास्ट कर लेता है। और अभी 10,000 इंटू 8 और 5 कितना हुआ, 12 13 13, तो ये 1,30,000 प्लस 27,200 प्लस 77,000 प्लस 21,89 256,090 टोटल कॉस्ट, 15,000 इंटू 10 प्लस 25,600 प्लस 44,800 प्लस 31,840 252,240, 20,000 इंटू 8 प्लस 11,200 36,400 33,830 241,43 क्या था ये 6 मार्क के लिए, 256,090 252,241,43 6 मार्क हाथ खत्म। कुछ था क्या? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड यूजिंग द सेम प्लांट एंड रिसोर्स। इट हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। एक बार काम करना बेटा, जो लास्ट का थोड़ा 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है वो डिलीट कर दें। बजटेड डायरेक्ट लेबर आर वॉज रुपीज 4 पर आर, कितना है 4 पर आर, मतलब कितने घंटे लगते हैं, तो देखो लेबर आर्स जो आपको लगेंगे 18 रुपये के हिसाब से 1 घंटे का 4 रुपया, 4.5 आवर्स, एंड 7.5 आवर्स। बेटा ये समझेगा कैसे, तो कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 1 आवर इज इक्वल टू रुपीज 4, तो 18 20 30, नहीं समझ में आता है ना बेटा, ये तो सीधा ऐसा बोलता हूँ बच्चों को ऐसा करो, तो आवर्स समझ में आ जाएंगे। अभी आर्स समझ में आए तो 1200 इंटू 4.5 आर्स, तब इसके कितने आर्स लगे, 5400, 40 इंटू 5 आर्स 7200, 1968 इंटू, तो आपको लगेंगे 14,770। अभी आपकी ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 50 प्लस 40 प्लस 28.240 प्लस 128 246,240, गलत हुआ है क्या मेरा, 240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, 5400 प्लस 7200 प्लस 14760, तो मेरा रिकवरी रेट 9 रुपीज पर आवर आएगा बेटा। शायद से आपको यही मुश्किल हो रहा था निकालना, बराबर ना, तो मेरा ओवरहेड कितना आएगा, ₹9 पर आवर टू 4.5, तो ये मेरा 40.5,
45, लास्ट वाला 7.5 इज इक्वल टू 67। तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट 90 प्लस 18 प्लस 40.5, मतलब अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल में 5 क्या मन्ना बराबर आया? कुछ भी नहीं था बेटा, 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हो आप लोग, मेरी हेल्प से कर रहे हो, हालांकि वो बात अलग है। इच प्रोडक्ट के 25 यूनिट्स, बेटा इधर अभी देखिए, देखो 1200 यूनिट्स है बराबर, डिवाइड बाय 25, मतलब आपके 48 ऑर्डर्स इधर आएंगे, 48 ऑर्डर्स प्लस अभी दूसरे के 25 के हिसाब से 57.6, 58 ऑर्डर्स एंड लास्ट वाला 1968 डिवाइड बाय 25, 79 ऑर्डर्स। तो टोटल ऑर्डर्स हुए 48 प्लस 58 प्लस 79, 185 ऑर्डर्स। नेक्स्ट नंबर लेना बेटा, काम कर लेता हूँ मैं, यूनिट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1200 यूनिट्स जो है 440, मुझे करने के लिए इजी जाएगा। अभी रन्स 1200 डिवाइड बाय 48, यहाँ पे 25 रन्स बराबर 1440 डिवाइड बाय 30 रन्स, 1968 डिवाइड बाय 41 रन्स, टोटल कितने हुए 6 रन्स। प्रोडक्शन रन मतलब ये भी 25:30:41, 96, मतलब एक प्रोडक्शन रन को एक इंस्पेक्शन, तो ये सेम ही है, इज इक्वल टू हो जाएगा बराबर। और ये मेंटेनेंस आर्स 6400, तो 6400 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1600 एंड 3200 आर्स में आपके ये कॉस्ट हो जाएगा बराबर है। अभी 50,000 डिवाइड बाय 185 इंटू 48 इज इक्वल टू, तो 129 1973, करना नहीं है मुन्ना, 21351, टेक अ टोटल पचास हजार, 40,000 डिवाइड बाय 96, डरना नहीं है,
आया 7354 825 बराबर है ना। बराबर है क्या बेटा? डिवाइड बाय 6400, 20 × 1600, 32,000, 32,000, 64,000। अभी एक्स का टोटल मैं लेता हूँ, 12793 प्लस 10417 प्लस 7354 प्लस 32,000, मेरा एक्स का आया 62 एबीसी के अंदर 564, वाई का आया 15676। बड़ा आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत खिलवाड़ है। यस 69001। बराबर है, बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद 114495, और ये तीनों की टोटल आपकी आनी चाहिए, तीनों की टोटल कितनी आनी चाहिए? 246। कुछ तो गड़बड़ो, कैलकुलेशन मिस्टेक, 242। हाँ वही गड़बड़ हुआ, 62 अच्छा पर यूनिट पूछा है। तो बेटा देखो, आपने 48 निकाला, 48 इंटू कितना अमाउंट निकाला आपने उसका, वो 48 टू अच्छा 50,000 डिवाइड बाय 185, 270.27 इंटू 48, हाँ 12973, और उन्होंने डिवाइड बाय क्या किया बेटा, डिवाइड बाय यूनिट्स किया 1200, मतलब 10.81 पर यूनिट निकालना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही पर यूनिट पूछा है। तो हम लोग ऐसा डिवाइड नहीं करते हुए इसको डायरेक्टली फिर इससे डिवाइड करेंगे, इसका हाँ, पर वैसा नहीं चाहिए उनको, उनको इंडिविजुअल चाहिए, पर इधर अपना कुछ तो गड़बड़ भी हुआ है। 15676 प्लस 12500 825, 69001 देखो बेटा, ये टोटल एक बार ले लो 12,000, 40,000 है, 2 फर्क आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 62 इधर गलत हुआ, 62744। अभी आया 62744 डिवाइड बाय 1200 किया तो 52.28, 50.28, फिर 6901 डिवाइड बाय 1440, 47.92, 114495 एक्चुअली एक्यूरेट आंसर आता है,
58.18, ठीक है, और ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट है, और ये हमें ऐड करनी है 90 प्लस 18 प्लस 52.28, 160.28 आया क्या? फिर 84 प्लस 20 प्लस 47.92, 151.92 आया। और लास्ट वाला बता, 176 प्लस 30 प्लस 264.18। पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा, पर यूनिट निकालना है तो इसी को हर एक को डायरेक्टली डिवाइड करते गए, हर एक को डिवाइड करना है। हाँ वो इजी है, पर जब पर यूनिट निकालना है तो आपको ये प्रेजेंटेशन जरूरी है। समझ में आया? 14 मिनट गए बेटा, तब 10 मिनट एक्सप्लेनेशन में। आईएमपी मार्क करके रखना, क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से करना था बेटा। ओके, बोलना। 13 जुलाई 21, मजा आ गया, पर मतलब कुछ नहीं है। PQR लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ PQR, कंपनी कैलकुलेट एक्टिविटी बेस्ड, ये दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स, हॉर्स ड्राइवर डायरेक्टली निकाल के दिया है रुपीस 10 पर आर, रुपीस है पूरा ले बेटा, तू गलत कर देता है, 300 पर रन, सब बराबर करने के चक्कर में अलग ही हो जाएगा। डर 330 कर रहा है, उसी को बता। तो अभी डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने आपके, मतलब अनयूज कितने हुए, अनयूज कितने हुए 6000। ओके, तो प्रोडक्शन रन्स कितने होने चाहिए थे, 540, तो कितने नहीं हुए, 60। एंड लास्ट वाला 7000, तो लास्ट वाला 1000 ये अनयूज्ड है, करेक्ट है। सिमिलर टू इलू 2, सिमिलर टू इलू 2। तो बेटा अभी हमें 10 रुपए के हिसाब से एक एक जीरो बढ़ा दो तो 1,80,000 एंड 60,000 आ जाएगा, यस और नो। फिर 300 × 200 मतलब 60,000, फिर 180 × 300 54,000, ओवरली कर रहे 300 × 160 48,000। इंस्पेक्शन कॉस्ट 213 मतलब 90,000, 33 ये 75,000, दिस इज 45,000 टोटल कॉस्ट, कॉस्ट एलोकेटेड टू। अभी अनएलोकेटेड में 60,000 प्लस 18,000, 16 × 300 18,000, 60,000 एंड 30,000, मतलब अनयूज्ड का कॉस्ट 1,08,000 है, ये भी आ गया। अ पोटेंशियल कस्टमर है अप्रोच फॉर सप्लाई ऑफ 12,000 यूनिट्स न्यू प्रोडक्ट एक्स, जिसको 1500 यूनिट्स पर क्वार्टर चाहिए, ठीक है, मतलब 4 क्वार्टर्स में उसको 6,000 यूनिट्स चाहिए।
इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट उसकी 30,000 है, तो मटेरियल 18,000, लेबर आवर्स 1500 आवर्स, प्रोडक्शन रन्स एंड इंस्पेक्शंस। तो अभी देखिए, देखो इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट उसकी वो 12,000 यूनिट्स अपने को मंगवाने वाला है। अभी 1500 के लॉट में हमें इस साल तो 6,000 ही है, 30,000 का 12,000 यूनिट्स में जाएगा, उसमें से 1500 यूनिट्स के हिसाब से 3750 तो हम लोग इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट लगाएंगे, कॉस्टशीट बनानी है। मटेरियल 18,000 का लगेगा एंड लेबर आवर्स 1500 आवर्स और कॉस्ट पर 1500 आवर्स 10 रुपया कहाँ से आए? हाँ, लेबर आवर्स का, लेबर आवर्स के हिसाब से लेबर कॉस्ट, यस, ये 1500 × 10 कितने प्रोडक्शन रन रिक्वायर्ड है उसको क्वार्टरली? 15 रन्स मल्टीप्लाइड बाय 300, 250 इंस्पेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 30, तो इनकी टोटल ले ली हमने प्लस 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट ऐड किया, तो अपने को ये अमाउंट आ जाएगा, समझा? सिर्फ इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट 12,000 यूनिट्स में है, ये याद रखना। कितने यूनिट्स में है? 12,000, क्योंकि ये पूरा उसका डायरेक्टली 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, 1500 यूनिट्स का क्वार्टरली है। तो ये 12,000 यूनिट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? इनिशियल डिजाइन कॉस्ट। इजी कर लोगे? ये December 21 का सम सिमिलर था शायद से, सेम है क्या? TYK2 TYK2, तो ये अपने आप से कर लेना बेटा, ये सब कुछ दिया हुआ है तो आप लोग कर लोगे। बेटा 15th वाला भी बेटा मैं अभी आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत खुद से करो। और ये भी बेटा देखो, पीओ और सेटअप कॉस्ट नहीं क्या? ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर टू ये, देखो ये 7, मैं 18 में आया हुआ क्वेश्चन था, देखो मैं 18 और ये इधर भी ओपन कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चन सामने सामने रखता हूँ ताकि कुछ बच्चा कंफ्यूजन ना हो। तो 500 जेल पेन बॉल पेन के बदले में एक्सप्रेस कॉपी एंड इंस्टेंट कॉपी, बस बाकी सभी सेम है बेटा। इवन उन्होंने पीओ सेटअप्स ये कुछ नहीं, सिर्फ जेल पेन बॉल पेन का ये बदला है और बाकी थोड़े अमाउंट्स बदल दिया, बाकी कुछ भी नहीं है मुन्ना इसमें। कर लोगे? आंसर शीट भी नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी देख लीजिए, आंसर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो 16 क्वेश्चंस आपके मैंने कवर करवाए हैं, अच्छे से करके जाना। एबीसी कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के आज अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। टेक केयर।